गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मॉड। मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं और मॉड होता क्या है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा दैट ऑकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज नोन एज द मॉड ऑफ द डाटा। कोई भी ऑब्जर्वेशन हो डाटा का, उसमें कोई भी मैक्सिमम नंबर, कोई भी नंबर जितनी ज़्यादा बार आता है वो उस नंबर का क्या कहलाता है, वो उस नंबर का मॉड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, कंसिडर द डाटा 21420136303535। वैन ऑब्जर्व दैट जीरो ऑकर्स टू, जीरो कितनी बार आया है इसमें डाटा में, वन और टू टाइम्स, टू टाइम्स आया, वन आया है, वन ऑकर्स टू टाइम्स, टू ऑकर्स टू टाइम्स, थ्री आया है फोर टाइम्स, फोर ऑकर्स वन टाइम, फाइव ऑकर्स वन टाइम, सिक्स ऑकर्स वन टाइम। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सा आया है, फोर टाइम्स क्या आया है, थ्री, तो थ्री आया है। इट मीन्स थ्री क्या हो जाएगा इसका, इस डाटा का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, थ्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, थ्री। ओके, एक और मेथड है इसको फाइंड आउट करने का मोड का, अल्टरनेट मेथड। अनदर वे इज़ टू अरेंज द डाटा इन एन असेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो हम डाटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो डाटा दे रखा था उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखो, हमें ज़्यादा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो टू टाइम्स दिख रहा है, वन दो बार है, टू टू बार है, वन टू थ्री थ्री, थ्री फोर टाइम्स है। तो इससे जल्दी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो कौन सी डिजिट ज़्यादा बार आई है। ठीक है, थ्री सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा है थ्री, तो इसलिए इसका मॉड क्या हो गया, मॉड हो गया इसका थ्री। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज इज अ रफ मेजर, रेंज जो है वो एक रफ मेजर है ऑफ स्प्रेड, फैलने का, एंड इट गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डाटा ऑब्जर्वेशन। और इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें लार्जेस्ट वैल्यू पता है किसी भी ऑब्जर्वेशन की या डाटा की और स्मॉलेस्ट वैल्यू पता होती है तो उन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं तो हमारी रेंज फाइंड आउट हो जाती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लिया है, लेट अस फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। ये डाटा दे रखा है 20, 10, 5, 35, 15, 19, 20। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, 5। 5 स्मॉलेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट डिजिट है 35। तो रेंज क्या है, रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 35 माइनस 5, कितना आंसर आ गया आपका, 30। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है, द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ए बास्केटबॉल टीम इन 10 मैचेज में जो पॉइंट्स स्कोर किए हैं बास्केटबॉल टीम ने, वो किए हैं 28, 31, 27, 30, 55, 60, 65, 70, 80 एंड 84। ठीक है, फाइंड द मीन स्कोर ऑफ द बास्केट बॉल टीम, मीन स्कोर पूछा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम सारे ऑब्जर्वेशन को लिख लिया प्लस लगा के, डिवाइड बाई कितने हैं ये ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो डिवाइड बाई 10। प्लस किया 530 आ गया, डिवाइड करा 10 आ गया, आंसर कितना आ गया, 53। दैट इज द मीन स्कोर ऑफ द बास्केटबॉल टीम इज कितना हो गया, 53 पॉइंट्स। इसी तरीके से हम कोई भी डाटा दे रखा है, कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो हम मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।